Hey guys, तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इजी और सिंपल बिस्किट की रेसिपी जो आप लोग घर में बहुत इजीली बना सकते हैं बिना ओवन यूज़ किए हुए। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हैदराबाद का स्पेशल कराची बिस्किट की रेसिपी। तो ये बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 50 ग्राम सॉफ्ट बटर ले रही हूँ। बटर एकदम रूम टेम्परेचर में होना चाहिए और ये इतना सॉफ्ट होना ही चाहिए। तो इसको ना सबसे पहले मैं हल्का सा विस्क कर लूँगी और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 50 ग्राम शक्कर। शक्कर को सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राइंड कर ली थी, उसके बाद मैं यहाँ पे सीव कर रही हूँ क्योंकि अक्सर शक्कर को ग्राइंड करने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा दाना आ जाता है। तो ये बिस्किट बनाने के लिए मैं यहाँ पे 50 ग्राम शक्कर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं ये दोनों चीज़ों को अच्छे से क्रीम कर लूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। ये जो प्रोसेस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जितना हम लोग इसको अच्छे से क्रीम करेंगे हमारा जो बिस्किट है वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगा बाहर से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा ये जो बटर और शक्कर का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बड़ा कप मैदा ऐड की हूँ। उसके बाद ऐड कर देंगे 3 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 3 से 4 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ काजू, टूटी फूटी मैं यहाँ पे आधा कप यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। अब ना ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं हमारा ये जो सारा इंग्रेडिएंट्स है ना, ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ये डो बनाने के लिए हमें पानी या फिर दूध का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगा। जितना इसमें बटर है उससे ही हमारा जो डो है वो काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। तो अभी मैं इसके अंदर फ्लेवर ऐड करने के लिए थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको रोज़ का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, आप पाइनएप्पल का भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कराची बिस्किट में सिर्फ रोज़ या फिर पाइनएप्पल फ्लेवर्स ही जाता है। और ये जो बिस्किट बनता है ना, काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है और बहुत इजी रहता है बनाना और काफ़ी टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर ली हूँ। तो सबसे पहले हम नीचे एक प्लास्टिक ऐड कर देंगे, उसके बाद ये जो डो है ना उसको अच्छे से फ्लैट करेंगे। जैसे मैं रोल कर रही हूँ ना, आप भी वैसे रोल करते जाइए और ये ऑटोमेटिक रोल होते जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक लॉक के तरह रेडी हो चुका है। तो अभी हम लोग प्लास्टिक को फोल्ड कर देंगे और इसको थोड़ा सा हल्का सा शेप दे देंगे ताकि ये अच्छा सा रेक्टेंगल फॉर्म में आ जाए। जब हमारा डो का एक लॉक बन जाएगा अच्छे से रेक्टेंगल शेप में, उसके बाद हम लोग इसको टाइटली फोल्ड कर देंगे प्लास्टिक में और इसको ना हल्का हल्का फ्लैट करते भी जाएंगे। तो अभी हम लोग ये डो को रख देंगे सेट होने के लिए फ्रिज में करीब 3 से 4 घंटा के लिए। तो यहाँ पे 4 घंटा हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं हमारा जो डो है ना, ये काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो फिर चलिए इसको काटते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि बटर है और ये वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है, लेकिन डो को फ्रीज में रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग फ्रीज में नहीं रखेंगे तो हम ना कुकीज़ को ऐसे अच्छे से शेप नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सारा बिस्किट्स एकदम रेडी हो गया है बेक होने के लिए। तो आज मैं आप लोग को इस साथ शेयर करूँगी कि बिस्किट को कैसे हम लोग बिना ओवन के बनाएंगे कढ़ाई के अंदर। तो जैसे हम लोग केक बनाने के टाइम एक DIY ओवन रेडी करते हैं, वैसे ही DIY ओवन रेडी करेंगे और इसको प्रीहीट करेंगे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में। उसके बाद हम लोग फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और बिस्किट्स रख देंगे और इसको कुक होने के लिए देंगे 15 मिनट। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं बिस्किट का चारों तरफ से हल्का सा ब्राउन हो गया है। इसका मतलब हमारा जो बिस्किट है ना वो काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुका है।
तो अभी हम लोग ये सारे बिस्किट्स को ठंडा करेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो टूटी फ्रूटी है ड्राई फ्रूट्स था वो काफ़ी इवनली स्प्रेड हुआ है और ये बिस्किट ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ये जो बिस्किट है आप लोग चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और घर में बनाए हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।